आज हम लोग मंगलम पाठ के पार्ट टू वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जिसमें अभ्यास मौखिक का एक नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसमें एक पदेन उत्तरम वदत, अर्थात एक पद में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, अर्थात सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों के आसानी के लिए हमने इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख रखा है, जो कि आप यहाँ देखेंगे। तो सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो इसका आंसर होगा सत्यस्य, यानी सत्य का। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपवृणु, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। तो आपको प्रथम पार्ट वीडियो में बताया गया था कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए सोने के पात्र को हटा दे, हिरण्मयेन पात्रेण। इसका उत्तर होगा हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि सोने के पात्र को। ग नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, यानी कि ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ ज्ञान या सत्य। ज्ञान का मुख या सत्य का मुख किससे आच्छादित है, अर्थात ढका है। तो इसका उत्तर होगा सोने के पात्र से, यानी हिरण्मयेन पात्रेण। ह नंबर क्वेश्चन है, महतो महियान कह, महतो महियान कह, अर्थात महान से महान कौन है। तो आपको प्रथम पार्ट वीडियो में हम बताए थे कि महान से महान और छोटा से छोटा आत्मा है। तो यहाँ उत्तर होगा आत्मा, महान से महान कौन है, आत्मा है। अंग नंबर क्वेश्चन है, अणु अणियान कह, अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म से, अणियान का अर्थ होता है सूक्ष्म, कह का अर्थ होता है कौन, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो इसका उत्तर होगा आत्मा। तो चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चार नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात महतर कह, पृथ्वी व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात महतर कह, यानी इसका अर्थ है पृथ्वी पर महान से महान पदार्थ कौन या क्या है। इस पृथ्वी पर महान से भी महान पदार्थ क्या है, तो अणु है, क्योंकि इस पृथ्वी पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदार्थों का निर्माण हुआ है, तो वह अणु से ही निर्माण हुआ है। छ नंबर क्वेश्चन है, कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितः च भवति, कीदृशः का अर्थ होता है किस प्रकार, किस प्रकार के पुरुष अपने इंद्रियों पर विजय पाकर, अर्थात अपने इंद्रियों को वश में करके अपनी महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। तो किस प्रकार के पुरुष अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है और अपनी महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऋषयः, यानी कि ऋषि पुरुष जो है, ऋषि लोग है, साधु महात्मा है, जो सज्जन पुरुष है, वे अपनी महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। ज नंबर क्वेश्चन है, किम जयम प्राप्त नोति, किम जयम प्राप्त नोति, किसको विजय की प्राप्ति होती है। तो आपको बताया गया था तृतीया मंत्र में, मंगलम पाठ के तृतीया मंत्र में बताया गया था कि सत्यम एव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं। तो यहाँ अर्थ होगा, पूछ रहा है क्वेश्चन, किसको विजय की प्राप्ति होती है, तो सत्यम यानी सत्य को, सत्य को ही विजय की प्राप्ति होती है। झ नंबर क्वेश्चन है, किम जयम न प्राप्त होती, किसे विजय की प्राप्ति नहीं होती है।
तो असत्य हो जाएगा, यहाँ आंसर होगा असत्यम या अनृतम। असत्य बोलिए या अनृतम बोलिए, इसका अर्थ होता है मिथ्या या झूठ, यानी कि असत्य को विजय की प्राप्ति नहीं होती है। यह नंबर क्वेश्चन है, का नाम रूपम च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन, का मतलब होता है कौन नाम और रूप को छोड़कर, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्तम गच्छन्ति यानी चली जाती है, गिर जाती है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है, तो इसका उत्तर होता है नदियाँ जो है, नद्य इसका आंसर होगा, यानी कि नदियाँ जो है अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर के समुद्र में चली जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं दो नंबर क्वेश्चन पे। इसका दो नंबर क्वेश्चन है, करा एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत, करा कि इस पद को जो नीचे दिए गए पद है उसको प्रथम चरण को मौखिक रूप में पूरा करें। तो इस पद को लिखा गया है हिरणमयेन, तो हिरणमयेन के बाद ये जो पद ये लिखे हैं ये है आपका उत्तर, यानी यहाँ रिक्त स्थान को पूरा करना है आपको। तो हिरणमयेन के बाद हमारा उत्तर होगा पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका है। ये कौन नंबर का, ये श्लोक में भी लिखा गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ख नंबर अरोरण्यान, इसके बाद भरना है आपको, रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो अरोरण्यान महतो महियान, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, ये महतो महियान आपका उत्तर है। सत्यमेव जयते, रिक्त स्थान में भरेंगे नानृतम, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, इसको श्लोक में चार नंबर श्लोक में दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, प्रथम चरण को पूरा कर सकते हैं। अंग नंबर वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, ये पांचवा मंत्र में फर्स्ट चरण लिखा गया है, पांचवा मंत्र का ये फर्स्ट चरण है, वहाँ से आप उत्तर देख लेंगे। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, पुरुषम महांतम या रिक्त स्थान में भरा जाएगा। उसके बाद से तीन नंबर क्वेश्चन है, एतेषां पदानां अर्थवदत, करे कि इस पद के अर्थ दें, करे कि जो नीचे लिखे गए पद है उसके अर्थ को बताना है। तो अपिहितम का नंबर लिखा है अपिहितम, अपिहितम पद का अर्थ है ढका हुआ, इसको याद कर लेना है, अपिहितम अर्थात ढका हुआ। सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य धर्मवान के लिए। अरुण अड़ियान का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु का अर्थ है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म। अक्रतु का अर्थ होता है किया। बीत शोक का मतलब शोक रहित का अर्थ होता है जिसका शोक चला गया हो, यानी कि जिसे कोई शोक न हो, दुख न हो, उसको शोक रहित बोलेंगे। बीतता का अर्थ होता है विस्तारित होता है या विस्तार होता है, बीतता का अर्थ है विस्तार होता है, विस्तार होने का मतलब होता है फैलाव। देवयानह का अर्थ है देवताओं का। आप्तकामा का अर्थ होता है इच्छा पूर्ति के लिए या अपनी कल्याण के लिए। स्यंदमाना का अर्थ है बहती हुई। अयनाय का अर्थ होता है इसके अलावा, अयनाय का अर्थ है इसके अलावा। इसके बाद से देखिए चार नंबर बुक में चार नंबर क्वेश्चन है, स्वस्मृत्या कांश्चित संस्कृत प्रथानाम श्राव्यत, मतलब अपनी यादगार से कोई संस्कृत प्रार्थना को सुनाएं।